हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड वुमेन्स का टूर है न्यूजीलैंड के लिए। काफ़ी दिन से आप देख रहे होंगे मैंने तीन वार्म अप मैचेस कवर किए, तीनों में अल्ट्रा क्लीन स्वीप की। रात में 3:30 बजे मैचेस थे, किसी का ध्यान नहीं था। तीनों में मैंने आपको ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट के मार्जिन के साथ विनिंग्स दी हैं। टेलीग्राम के ऊपर जाकर रिजल्ट भी देख सकते हो। हालाँकि वो था इंग्लैंड ए वुमेन्स का, जिनका अभी इंटरनेशनल टूर भी चल रहा है, लेकिन वो हम कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स और सीरीज़ चल रहे हैं, इस वजह से ये वाला जो टूर है पूरा कवर किया जाएगा। इसमें गाइस आपको इंग्लैंड वेमेंस के 5 T20 देखने को मिलेंगे, उसके बाद 3 ODIs देखने को मिलेंगे। डेट आप देख सकते हो, वेन्यू भी देख सकते हो, बाकी और मैं आपको आगे बता देता हूँ। मेरी वीडियोज़ में गाइस आपको सिंपल कट टू कट वैल्यू मिलेगी, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ये पूरी सीरीज़ जो है सुबह 5:30 बजे, और ये सारे मैचेस जो है ना T20 के सुबह 5:30 पे, यानी आपको सुबह 5 बजे उठना है और अपनी टीम एडिट करके सेव करके सो जाना है। फिर जब भी आप उठोगे तो आपको अच्छी खासी विनिंग्स देखने को मिलेगी, है ना। रात में आप ग्राइंडिंग भी एडिट कर सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो और बहुत अच्छा कमा सकते हो। देखो, जब लाखों स्पॉट्स फिल होते हैं, लाखों कॉन्टेस्ट भरते हैं, यानी लोग खेल रहे हैं, है ना, तो भाई उनको करना ही करना है। जो विनिंग करनी है वो टाइम नहीं देखते हैं, तो आपको भी नहीं देखना है। फिर इसके बाद ये जो मैचेस हैं ये रात में 3:30 बजे, यानी जल्दी है, तो आप ये भी खेल सकते हो तीनों ODIs के। शुरू करते हैं हमारे प्रीव्यू को। यहाँ से गाइस मैंने आपको शेड्यूल तो पूरा बता दिया है। सारे जो T20 है सुबह 5:30 पे हैं, सारे ODIs जो है वो सुबह 3:30 बजे हैं, यानी 3 बजे टॉस होगा, 5 बजे टॉस होगा। वेन्यूज़ भी अलग अलग हैं, तो वीडियोज़ भी आपको नई देनी पड़ेगी। हालाँकि सेकेंड थर्ड सेम है, तो मैं आपको एक ही वीडियो दे दूँगा दोनों की। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सेम वेन्यू के ऊपर है, तो एक ही वीडियो काम कर जाएगी, या नहीं भी दे दूंगा अगर लोगों की डिमांड होगी तो। उसके बाद ODI पहला वाला जो है वो फ्रेश वेन्यू पे, उसके बाद दोनों सैडन पार्क के ऊपर है। चलते हैं प्रीव्यू को शुरू करते हैं हमारे, यहाँ से देखते हैं हेड टू हेड की। सबसे पहले बात करते हैं, ये है गाइस हम फर्स्ट T20 की बात कर रहे हैं। अब आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो न्यूजीलैंड ए इंग्लैंड ए वो नहीं है ये वाला, है ना, ये चीज़ ध्यान देनी। वो सुबह 5:30 पे चल रही है सीरीज़, ये भी होगा, लेकिन ये 19 तारीख को ये सिर्फ इंग्लैंड वेमेंस और ENW और NZW के नाम से आपको देखने को मिलेगा। पहला मैच है, अब देखो प्लेयर्स भी WPL भी ख़त्म ही हो रहा है ऑलमोस्ट, आज फाइनल मैच है कल, तो सब वहाँ से निकल जाएंगे और सब ज्वाइन कर लेंगे। मैक्सिमम प्लेयर्स आ भी चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया का भी टूर शुरू हो रहा है बांग्लादेश के साथ, तो वहाँ से भी सब प्लेयर्स निकल चुके हैं। यहाँ पर गाइस हम बात करेंगे, जब जब न्यूजीलैंड वेमेंस और इंग्लैंड वेमेन ने साथ में खेला है, तो हेड टू हेड में 30 मैच खेले हैं। इंग्लैंड का बल्ला बहुत भारी है, बहुत ही ज़्यादा भारी है, 23 मैच जीते हैं। न्यूजीलैंड ने सिर्फ 7 मैच जीते हैं T20 के अंदर। यहाँ पे कैसे इस वेन्यू की बात करें, तो वेन्यू पे इंग्लैंड ने तो कभी खेला नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड का भी थोड़ा सा बुरा हाल है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने 3 मैच खेले थे पाकिस्तान के साथ, जिसमें से सिर्फ 1 मैच जीता था, 2 मैच हारे थे पाकिस्तान के साथ, है ना। T20 पाकिस्तान भी ठीक ठाक साइड है और अच्छा कर रही है अभी रिसेंट टाइम में। तो लास्ट T20 का इस वेन्यू के ऊपर देखो, मेंस का हुआ था January 17, 2024। इसमें क्या हुआ था आप देख सकते हो, कौन से बॉलर्स को विकेट मिले, हम बात करेंगे बिल्कुल। हालांकि बिल्कुल रिसेंट तो यही है, लेकिन अगर आपको स्कोरिंग देखनी है तो मेंस के मैच में देखो, जो टीम थी विजिटर्स थे, यानी कि जो पाकिस्तान की टीम थी उसने कहा था बॉलिंग करेंगे, लेकिन जो होम टीम थी उसने 224 बना दिए थे 7 विकेट के नुकसान पर, चेस नहीं हो पाया था। यहाँ पर 5 विकेट पहली पारी में पेसर्स को मिले थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को 1 विकेट मिला था, दूसरी पारी में पेसर्स को 4, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को 1, लेग ब्रेक स्पिनर्स को 1, यानी 9 विकेट तो सिर्फ यहाँ पर पेसर्स को मिले, 3 विकेट स्पिनर्स को मिले। बिल्कुल लास्ट मैच जो इस वेन्यू के ऊपर हुआ है, हाई स्कोरिंग भी था और विकेट आप देख सकते हो, पेसर्स का पल्ला जो है 90% भारी था, स्पिनर्स का यहाँ पर 10% रोल था, लेकिन वुमेंस मैच में स्पिनर्स भी होते हैं क्वालिटी। तो वुमेंस मैच में देख लो क्या हुआ था, December 5, 2023 को हुआ था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वेमेन। होम टीम ने कहा था, यानी न्यूजीलैंड की टीम ने कहा था हम बॉलिंग करेंगे, तो पाकिस्तान 137 बना पाई थी 6 विकेट के नुकसान पर, लेकिन चेज नहीं हो पाया था भाई, 10 रन से हार गई थी न्यूजीलैंड की टीम, 7 विकेट भी गिरे थे। पहली पारी में पेसर्स को 4 विकेट, लेफ्ट आर्म ऑफ्रॉक स्पिनर्स को 2, फिर दूसरी पारी में पेसर्स को 3, लेफ्ट आर्म ऑफ्रॉक स्पिनर्स को 2, राइट आर्म ऑफ्रॉक स्पिनर्स को 1, यानी पेसर्स को इस मैच के अंदर कितने विकेट मिले, 7, स्पिनर्स को कितने मिले, 5, यानी वुमेंस मैच के अंदर आपको दोनों ही पेसर्स और स्पिनर्स दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, दोनों का इक्वल बैलेंस आपको अपनी टीम के अंदर बना के चलना है। तो ये हो गई गाइस वेन्यू की बात, जिसने वेन्यू समझ लिया 90% विनिंग्स तो उसकी ऑलरेडी हो ही चुकी। स्क्वाड की बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड का स्क्वाड देखो, सोफी डिवाइन, सूजी वेट्स, बर्नार्डिन बिजनॉट,
हो सकता है सोफी डिवाइन आपको पहला मैच पहले वैसे भी नहीं मिलेंगी पहले मैच में, क्योंकि अभी वो इधर से लौटेंगी आरसीबी से, तो हो सकता है सेकंड से ज्वाइन करें। ईडन कार्सन पहले से 3 मैच तक दिखेंगी आपको, इसी केस विकेट कीपर है इनकी वन एंड ओनली। मैडी ग्रीन, ब्रुक हेलीडे, फ्रेंच जोनस, कमाल की लेफ्ट आर्म ऑफ लॉक स्पिनर, एमिली अगर अब तो एमआई नहीं पहुंची है तो ये ज्वाइन कर लेंगी हो सकता है फर्स्ट मैच से ही। जेस्कर, रोज मैरी मैर, लीक कैस्परक 4th और 5th मैच में दिखेंगी। जॉर्जिया प्लाइमर सिर्फ ओडीआई के लिए अनाउंस है। हैना रोवे और ली तहू हैं, तहू गुजरात जाइंट्स के लिए खेल रही थी, वो आ चुकी हैं, ज्वाइन कर चुकी हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं। इंग्लैंड का स्क्वाड देखो, इंग्लैंड को बांटना पड़ा अपना स्क्वाड क्योंकि प्लेयर्स इनके अवेलेबल नहीं थे। बाकी प्लेयर्स जो है ना वो 4th 5th से आपको देखने को मिलेंगे, नेट सीवर वगैरह वो ये सब। तो इंग्लैंड का स्क्वाड जो पहले 3 मैच के लिए रहेगा यानी इस वाले मैच के लिए भी, हैदर नाइट, लिंसे स्मिथ है, एमी जोन्स विकेट कीपर, होली आर्मिटेज, टैमी ब्यूमोंट, सोफिया डंकली, लॉरेन बेल, माया बाउचर, चार्ली डीन, लॉरेन फाइलर, डैनी गिब्सन, सारा ग्लेन और बेस हीथ, ये है गाइस इनका स्क्वाड। 4th 5th के लिए स्क्वाड है तो हम 4th 5th में बात करेंगे। इसमें आप देखो कैप्सी ज्वाइन कर लेंगी, जब तक सोफिया क्लिस्टन ज्वाइन कर लेंगी, नेट सीवर कर लेंगी, डैनी वेट कर लेंगी, है ना, तो ये सारे प्लेयर्स आ जाएंगे तब तक। ओडीआई स्क्वाड की हम बात करेंगे नहीं क्योंकि ये जो है T20 है, तो T20 की बात करेंगे। एक प्रैक्टिस मैच हुआ था, इसमें भी हमने अल्ट्रा क्लीन स्वीप की थी, टेलीग्राम पर रिजल्ट देख सकते हो। इंग्लैंड वार्म अप मैच जो प्रैक्टिस मैच हुआ था उसमें देखो क्या हुआ था, इंग्लैंड वुमेंस की टीम थी और न्यूजीलैंड की ए टीम थी, लेकिन कुछ प्लेयर्स थे तो आप सिर्फ एक रेफरेंस के लिए देख लेना अगर आपको काम में ही आएगा वहाँ पर। तो इंग्लैंड ने बैटिंग ली थी, 179 बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, और यहाँ पर 57 रन के मार्जिन से जो है जीत हासिल करी। उस मैच में देखो क्या हुआ था, सोफिया डंकली ने 4 किया था, टैमी ब्रोमॉन 52, माया बाउचर 6 पे आउट हुई थी, हैदर नाइट ने कैप्टन स्नॉक 66 किया था, एमी जोन्स ने 24, डैनियल गिब्सन ने 15। उसके बाद आ जाओ आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को देख लेना किसने कैसे विकेट लिए थे, अगर इनमें से कोई नाम शामिल हो इनके करेंट स्क्वाड में तो। बाकी न्यूजीलैंड के बैटर्स का आप स्कोर कार्ड यहाँ पर सामने देख सकते हो, हालांकि मैक्सिमम प्लेयर शामिल नहीं होंगे। अब इंग्लैंड के प्लेयर्स की बॉलिंग देखो, लॉरेन बेल ने 1 विकेट लिया था, डैनियल गिब्सन ने 1 विकेट लिया था, चार्लोट डीन हमारी कैप्टन थी 3 विकेट लेके गई थी, सारा ग्लेन हमारी वाइस कैप्टन थी, इनको कोई विकेट नहीं मिला था। लेकिन हमारे पास ऊपर जो आप देख सकते हो ना सारे प्लेयर्स थे, कौन था, लीक कैस्परेक थी, क्लॉडिया ग्रीन थी, हेली जनसेन थी, तो अच्छी खासी अल्ट्रा क्लीन स्वीप करी हमने, लोग लीक कैस्परेक को बना के आए थे कैप्टन वाइस कैप्टन। यहाँ पर गाइस लॉरेन फाइलर लेफ्ट आर्म पेसर 2 विकेट लिए, लिंसे स्मिथ हमारे पास थी 2 विकेट लिए, सब ने किया अच्छा। हैदर नाइट ने प्रैक्टिस मैच में 1 ओवर डाल दिया था, यानी दिखाया इन्होंने कि मतलब 1-2 ओवर डाल सकती हैं। अब बात करते हैं इस वेन्यू के ऊपर प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, जहाँ पर ये मैच होने वाला है यूनिवर्सिटी ओवल ड्यूनेडिन के ऊपर। इस वेन्यू के ऊपर आप देखो प्लेयर्स का लाइन से परफॉर्मेंस, सोफी T20 के अंदर ही सिर्फ सोफी डिवाइन ने 19 किया, 11+2 विकेट, 1 विकेट+5, तो बैटिंग से कोई अच्छी नॉक नहीं है यहाँ पर। सूजी बेट्स 20, 28 और 18 दूसरी पारी में, बर्नार्डिन ब्यूजनॉट 13 और 2 किया है, ईडन कार्सन 3 मैच में 2 मैच विकेट लिए, दूसरी पारी में 1 मैच विकेट लेस गई हैं। यहाँ से कहीं मैडी ग्रीन की बात करें, इस वेन्यू के ऊपर 43 नॉट आउट और 18 दूसरी पारी में, फ्रेंच जोनस 1 विकेट लेस और 2 विकेट लिए, एमएलई अगर 46 नॉट आउट प्लस विकेट लेस, फिर विकेट लेस और 2 रन किए हैं, जेस्कर विकेट लेस इस वेन्यू के ऊपर, और भाई रिसेंटली खेला था इन्होंने यहाँ पर है ना पाकिस्तान के साथ, एना रोवे 14, 1 विकेट प्लस 33, ये गाइस कमाल की प्लेयर है, बैटिंग भी कर लेती हैं, बॉलिंग भी कर लेती हैं, कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बहुत अच्छी ऑप्शन है। ली ताऊ 1 विकेट दूसरी पारी में, विकेट लेस 13 नॉट आउट, रोज मैरी मैर इसी गैस, ब्रुक हेलीडे ने इस वेन्यू के ऊपर कभी खेला नहीं है। इंग्लैंड के प्लेयर्स की बात करें तो इंग्लैंड ने तो कभी खेला ही नहीं है इस वेन्यू के ऊपर, इसलिए अब हम चलते हैं T20 की तरफ। ऑल हेड टू हेड T20 अपने कैरियर में जितने भी मैच खेले हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वुमेंस ने साथ में, तो प्लेयर्स ने क्या किया है ये देखो, बहुत काम में आएगा भाई। ये मैच होते हैं ना श्योर शॉट ग्राइंड लीग के मैच होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना मैच अप नहीं होता है, आप किसी भी मैच में टीम बनाओ भाई आपकी टीमें फ्लॉप हो जाएंगी, क्योंकि हर बॉल के साथ वहाँ पर जो है ना आपकी टीम के पॉइंट गिरते हैं, या तो बिल्कुल ऊपर जाओगे या बिल्कुल नीचे आओगे, हर बॉल के साथ खेला होगा आपके साथ। लेकिन ये मैच में अगर आप 4-6 कॉम्बिनेशन अच्छी रिसर्च के साथ डालते हो ना, तो आई एम श्योर आपके 4-6 में से 2-3 कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छे क्लिक कर जाएंगे। हेड टू हेड की बात करें, कैरियर हेड टू हेड की, तो 2007 से लेके 22 तक के सारे मैच का रिकॉर्ड आपके सामने निकाला है। बहुत मेहनत लगती है, कम से कम एक एक वीडियो पे कभी कभार तो एक एक हफ्ते पहले से हम काम शुरू कर देते हैं। ये गाइस लास्ट टाइम तो कॉमनवेल्थ में खेला था गोल्ड 2022 में, दोनों ने आपस में T20,
लेकिन हम बात करेंगे इनके पूरे करियर की, 2022 तक इन्होंने जितने मैच खेले हैं। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का इंग्लैंड के सामने देखो, सोफी डिवाइन का अच्छा खासा रिकॉर्ड रखती है, हर मैच में परफॉर्मेंस दी है, बैटिंग हो बॉलिंग हो, कुछ मैच बेकार भी गए लेकिन वहाँ पर फिर बॉलिंग से परफॉर्मेंस दी। और सोफी डिवाइन है तो उनको स्टैट्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो तो मस्ट हैव पिक है। सुजी बेट्स का परफॉर्मेंस देख सकते हो, कई बार बॉलिंग भी की है बीच में लेकिन मुझे नहीं लग रहा है बॉलिंग कराएंगे अभी यहाँ पर। बैटिंग से आप देख सकते हो आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, बस यही है कि चलने के ऊपर है, कोई जल्दी फंसा लेगा तो आउट हो जाएंगे। रिकॉर्ड आप पूरा देख सकते हो, मैडी ग्रीन अगेंस्ट इंग्लैंड, कोई ऐसी 30+ नॉक मेरे को तो नहीं दिख रही है, लेकिन प्लेयर अच्छी हैं, लेकिन पार्टनरशिप सुजी बेट्स के साथ ही करती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ब्रुक हैलिडे बॉलिंग कर सकती हैं लेकिन अभी तो कोई आसार दिख नहीं रहे हैं बॉलिंग के। फ्रेंच जोनस 1 विकेट है 2 विकेट है, कमाल की प्लेयर है भाई, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, अच्छा खासा टैलेंट है, काफ़ी यंग प्लेयर है। एमिली अगर अगेंस्ट इंग्लैंड 2 विकेट दूसरी पारी में, 14+ विकेट लेस, 25+ विकेट लेस, 1 विकेट 18, 3+2 विकेट, 1 विकेट+21, तो 30 की भी कोई नॉक नहीं है, लेकिन विकेट टेकर है एमेलिया कर। जेस कर 2 मैच विकेटलेस, 2 मैच में 1-1 विकेट। रोजमेरी मैर विकेटलेस 2 विकेट सेकंड और 1 विकेट। लीक कैस्परिक हर मैच में विकेट निकाले हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, कमाल की प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छी प्लेयर है, मैं तो भाई लेजेंडरी प्लेयर मानता हूँ डोमेस्टिक में, तो क्या ही करती है बंदी, बैटिंग से बॉलिंग से प्रॉपर ऑलराउंडर है लीक कैस्परिक। हैना रोवे विकेटलेस+11 अगेंस्ट इंग्लैंड, फिर 2 विकेट, फिर 10 नॉट आउट फिर 1 विकेट। ली ताऊ ने 3 मैच खेले हैं, 3 मैच में विकेट निकाले हैं इंग्लैंड के सामने, प्रैक्टिस मैच में भी आप देख सकते हो ऊपर 3 विकेट 2 विकेट निकाले थे, 1 विकेट दूसरी पारी में, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट दूसरी पारी में है। बर्नेट इन व्यूज नॉट, एडन कार्सन, इजी गेस, इन्होंने कभी इंग्लैंड के सामने खेला नहीं है। अब बात करते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स का न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के सामने हेड टू हेड क्या कहता है। हेदर नाइट पहले बॉलिंग करती थी तो 3 विकेट निकाले, 30+ विकेट लेस, फिर 2 विकेट+26, 17 नॉट आउट और 42 किया हुआ है, प्रैक्टिस में भी 60 करके आ रहे हैं 60+। एमी जोन्स का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो अगेंस्ट न्यूजीलैंड, टैमी ब्यूमॉन्ट का देख सकते हो, देखो T20 की बहुत अच्छी प्लेयर है टैमी, वैसे तो ODI की मुझे बहुत अच्छी प्लेयर लगती है, लंबी पारियां खेलती हैं लेकिन T20 में भी बहुत अच्छा है, चलने के ऊपर टिक गई, कोई जल्दी नहीं फंसा पाया तो बढ़िया नॉक आपको खेल सकती हैं, प्रैक्टिस मैच में भी 52 करके आ रही है। सोफिया डंकली थोड़ा सा स्पिनर्स के सामने प्रॉब्लम होती है, लेकिन सोफिया डंकली भी एक अच्छी प्लेयर है, ग्रैंड लीग में रोटेट कर सकते हो, स्मॉल लीग में अगर इनसे अच्छा कोई मिल रहा होगा तो फिर आप जो है किसी और के साथ जा सकते हो। माया बाउचर जब सब आउट होते हैं तो थोड़ा संभल के खेलती हैं, हालांकि न्यूजीलैंड के सामने 25-1-4 किया हुआ है। सारा ग्लैन मस्ट हैव पिक, ग्रैंड लीग हो स्मॉल लीग हो, विकेट टेकर है कमाल की, न्यूजीलैंड के सामने रिकॉर्ड देख सकते हो। नेट सीवर जब आएंगी तो मस्ट हैव पिक होंगी होंगी, क्योंकि या तो विकेट आपको इससे दे देंगी पेसर हैं, और यहाँ पर तो मदद ही मिलती है पेसर को। विकेट देखो इंग्लैंड न्यूजीलैंड के सामने काफ़ी बार निकाले, हर मैच में निकाले ऑलमोस्ट, और बैटिंग से भी 20-25-30 रन किए हैं। T20 क्या होता है भाई, सिर्फ हिटिंग करनी होती है प्लेयर को आके। डैनी वेट, क्योंकि वहाँ टाइम ही नहीं रहता है आपके पास संभालने का, डैनी वेट का देखो शुरू में बॉलिंग करती थी लेकिन रिसेंट देखो आप 50 किया, 33 किया, 9-3-14-35-1-4, डिसेंट पिक हैं, जब आएंगी खेलने तो रखना अपनी टीम में, क्योंकि अभी WPL में तो इनको यूज़ ही नहीं किया गया, तो भाई प्लेयर बेंच पे बैठा बैठा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कभी कभी, यहाँ पर आके प्रदर्शन करेंगी वो। सोफी एक्लिस्टन मस्ट हैव पिक, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ किसी भी दिन किसी भी टीम के लिए किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए, है ना, सोफी एक्लिस्टन ऐसी पिक है। एलिस कैप्सी अगेंस्ट न्यूजीलैंड 23-5 किया है। लॉरेन बेल लिंसिस में, चार्ली डिन, लॉरेन फाइलर, डैनी गिब्सन, होली आर्मिटेज, पैसीथ, इन्होंने कभी खेला नहीं है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अब मैंने मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स के बारे में आपको बता दिया कि कैप्टन वाइस कैप्टन भी, लेकिन एक बार आपको मैं स्क्वाड देख के थोड़ा सा और बता देता हूँ जिससे आपको लगे ये ना लगे कि मैंने कुछ बताया नहीं कैप्टन वाइस कैप्टन को लेके। और टीम की जो बात है, टीम तो गाइस मैं आपको उसी में दिखाऊँ, क्योंकि अभी तक क्या है ना प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको टीम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूँगा। बाकी जो मैंने आपको बताया, देखो हेड टू हेड को देखो, वेन्यू को देखो, और वेन्यू क्या कहता है ऊपर जो मैंने आपको बताया उसको देखो, तीन चीज़ें देखो, सिंपल है, 4 से 6 ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन डालो, हंस के जीतोगे। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, तो न्यूजीलैंड की तरफ से कैप्टन वाइस कैप्टनसी के कौन अच्छे ऑप्शन रहेंगे पहले मैच के लिए। एमिली कर खेलती हैं तो वो तो रहेंगी, ये तो 4th-5th के लिए अनाउंस है, तो लीग कैस्परिक की तरफ हमको देखना नहीं है। हैना रोवे पहला नाम,
एमएलए अगर यहाँ से, दूसरा नाम, तीसरा नाम कौन है यहाँ से, मुझे कोई इतना सॉलिड नहीं दिख रहा है जो कंफर्म परफॉर्मेंस आपको दे। डिवाइन पहुँचेंगे ही नहीं पहले मैच के लिए, तो और कौन होता है? आप यहाँ पे सूजी बेट्स पे लोग बैठ लेंगे स्मॉल लीग के अंदर, आप चाहो तो ले सकते हो। उसके अलावा मुझे यहाँ से कोई ऐसा नहीं दिख रहा है ना कि जो हमको डबल उसमें पॉइंट्स दे सके दोनों डिपार्टमेंट से। तो एमएलई अगर एक दे सकती हैं बैटिंग बॉलिंग से, हैना रोवे दे सकती हैं बैटिंग बॉलिंग से, और उसके अलावा मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। तो यही दो प्लेयर मैं रिकमेंड करूँगा स्मॉल लीग्स के लिए करने के लिए। बाकी ग्रैंड लीग में तो देखो आप किसी को भी कर सकते हो, और करना चाहो तो फ्रेंच जोनस को कर देना, यहाँ से ईडन कार्सन को कर देना। बहुत ईडन कार्सन तो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगती है टी ट्वेंटीज़ के अंदर। रोजमेरी मैर 3 विकेट निकाल के आ रही है प्रैक्टिस मैच में, इनको चाहो इनको कर सकते हो। तो ये गाइस कुछ प्लेयर्स हैं स्मॉल लीग्स के लिए, मैंने आपको बता दिया 3 ही प्लेयर हैं न्यूजीलैंड की तरफ से अगर आप देखना चाहो तो। सॉरी गाइस, आ जाओ इंग्लैंड की तरफ। स्मॉल लीग में किसको करोगे सबसे पहले? नंबर वन नाम चार्ली डीन, डीएनओ मेरी फेवरेट प्लेयर है। पहला नाम तो चार्ली डीन का ही है ना, और कोई इतना स्ट्रांग मुझे दिख नहीं रहा। दूसरा नाम सारा ग्लेन बनाओ, कैप्टन बनाओ, वाइस कैप्टन बनाओ। तीसरा नाम डैनी गिब्सन। इसके अलावा अब आ जाते हैं ग्रैंड लीग की तरफ। स्मॉल लीग में मुझे ये 3 नाम अच्छे लग रहे हैं, बाकी क्योंकि 4th-5th वाला जो मैच है ना उसमें इनके पास काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। इसमें तो अभी मिनिमम वो है स्क्वाड है इनका, तो यही प्लेयर्स में से कोई खेलेंगे 11। स्मॉल लीग के लिए मुझे ये 3 नाम अच्छे लग रहे हैं। ग्रैंड लीग की तरफ आप देखोगे लॉरेन फाइलर विकेट टेकर है, बनाओ। लॉरेन बेल विकेट टेकर है, बनाओ ग्रैंड लीग में बेफिक्र। एक टीम ऐसी ज़रूर रखना जिसमें आप इंग्लैंड के बैटर्स बनाओ, क्योंकि क्या होगा मान लो अगर न्यूजीलैंड टुक टुक करके खेलता रहा, मतलब ऐसा कोई प्लेयर नहीं रहा इंग्लैंड की तरफ से जिसको 2 से ज़्यादा विकेट मिले, तो उस केस में क्या होगा इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं ना बैटर्स उनके पॉइंट्स होंगे, क्योंकि वो सामने से फिर विकेट गिरेगा नहीं, टारगेट होगा कम, इंग्लैंड करेगी चेस, तो उस सीन में आपको इंग्लैंड के बैटर्स पॉइंट देंगे अच्छे। तो एक टीम आप ऐसी ज़रूर बनाना जिसमें आप हैदर नाइट को, टैमी ब्यूमॉन्ट को, और एक ओपनर जो भी हो सोफिया डंकली या माया बाउचर, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सको। तो ये थे गाइस कुछ ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए। ग्रैंड लीग में एक लिंसे स्मिथ को भी आप अपनी का टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। टीम मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ज्वाइन कर लेना सब लोग। इसी वीडियो के नीचे कमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी लिंक, कमेंट पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। पूरी कोशिश रहेगी सुबह उठ के आपको टीम दे दूँ, नहीं भी उठ पाया तो रात में टेलीग्राम पे बता दूंगा आपको अपडेट जो भी होगी, क्योंकि मेरी आदत है मैं सोता हूँ 3 बजे से पहले मैं सो नहीं पाता हूँ, और 5 बजे तक जागते ही रहना ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा 3, 3:30 बजे के बाद जो एकदम से झोंका आता है बिल्कुल आँख लगी जाती है उसमें, है ना। तो अब देखूँगा मैं कैसे मैनेज करता हूँ, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर रात में बता दूंगा। तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आई होप आपको वैल्यू मिली हो। अगर कुछ रह गया हो मुझसे, छूट गया हो बताने के लिए इस मैच से रिलेटेड, तो कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई आपको इंस्टेंटली मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।